तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम को आने में, और साथ ही साथ इसके बाद हमें यह भी पता चल जाएगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4 की मूवी स्लेट क्या है, यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो जो मूवीज आ रही है उनमें से कौन कौन सी मूवीज है। अब अगर ये मूवी स्लेट रिलीज हो रहा है और इसमें एक भी एवेंजर्स मूवी नहीं रही तो हम मार्वल फैंस के लिए बहुत बड़ी दुख की खबर होगी। लेकिन अगर मार्वल आगे के 5 साल की प्लानिंग कर रहा है तो जरूर एक ना एक एवेंजर्स मूवी ला कर दिखाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 4 ऐसे एवेंजर्स टाइटल मूवी की जिनके आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यू एवेंजर्स की। न्यू एवेंजर्स कौन है ये सब लोग जानते हैं, जैसे इसमें है डॉक्टर स्ट्रेंज है, कैप्टन मार्वल है, ब्लैक पैंथर है, स्पाइडरमैन है, स्कारलेट विच है, और अगर अगर हल्क आ गया तो ठीक है, हॉकाई आ गया तो ठीक है, नहीं तो यही सब न्यू एवेंजर्स है। यंग एवेंजर्स कौन है, उनकी टीम में है स्पाइडरमैन, नोवा, फिर आयरन लैड, फिर एंट मैन की बेटी कैसी लैंग, उसके बाद हो सकता है हमें दिखाई दे कोई और सुपर हीरो जो यंग एवेंजर्स का पार्ट बन सकता है। शूरी भी यंग एवेंजर्स का पार्ट है ये। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ 2 ऐसी मूवी को जिसमें ऑडियंस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और एक तो एवेंजर्स सीक्रेट इन्वेजन। बहुत सारे फैंस समझ रहे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और सीक्रेट इन्वेजन एक मूवी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी की, तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में अलग अलग डायमेंशन के सुपर हीरो एक डायमेंशन में आ जाते हैं क्योंकि डायमेंशन कोलैप्स हो जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं एवेंजर्स सीक्रेट इन्वेजन, तो इस मूवी में स्क्रल्स का बहुत मेजर रोल होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं स्क्रल्स को जब कैप्टन मार्वल में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उन लोग को अच्छा दिखाया गया था, लेकिन जैसा सारे लोग एक जैसे नहीं होते वैसे सारे स्क्रल्स एक जैसे नहीं होते, तो जाहिर सी बात है कुछ स्क्रल्स का मोटिव ही होता है दूसरे प्लैनेट पे कब्जा करना। तो जाहिर सी बात है अगर एवेंजर्स सीक्रेट इन्वेजन मूवी बनती है तो हमें बहुत ज्यादा तादाद में स्क्रल्स दिखाई देंगे अर्थ पे, और हो सकता है स्क्रल्स का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी एमसीयू में जब हो गया है तो कुछ स्क्रल्स ऐसे हों जो कि सुपर हीरो फॉर्म में हो। बहुत लोग को लग रहा था कि हमें एवेंजर्स एंड गेम में कोई ना कोई एक एवेंजर ऐसा होगा जो स्क्रल्स के फॉर्म में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे बात आ रही है कि अगर ऑडियंस क्या ओपिनियन लें तो ऑडियंस पहले कौन सी मूवी देखना चाहती है, सीक्रेट वॉर की सीक्रेट इन्वेजन। ऑडियंस पहले सीक्रेट वॉर देखना चाहती है क्योंकि उन्हें भले हमारी अर्थ का आयरन मैन ना दिखे लेकिन दूसरे ऑल्टरनेट यूनिवर्स का आयरन मैन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें सीक्रेट इन्वेजन की, तो सीक्रेट इन्वेजन में कोई आयरन मैन नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है कुछ समय के लिए कोई स्क्रल टोनी स्टार्क का रूप ले ले, लेकिन वो ज्यादा मजेदार नहीं होगा एज कम्पेयर टू ऑडियंस जितना समझ सकती है। तो अगर बात करें इन दोनों मूवी की, तो सबसे पहले हमें लग रहा है सीक्रेट वॉर आएगी, उसके बाद सीक्रेट इन्वेजन अगर मार्वल स्टूडियोज चाहेगा तो ला सकता है। और रही बात यंग एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स की, तो ये सारी मूवीज तो आनी आनी है, बस हम लोग को वेट करने की कब मार्वल स्टूडियोज अपना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 का स्लेट लॉन्च करता है जिससे हमें एक एक मूवी की डिटेल पता चले। तो दोस्तों, आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे? अगर आपको ओपिनियन लिया जाए तो आप सबसे पहले कौन सी एवेंजर्स टाइटल मूवी देखना चाहते हैं, अपने व्यूज जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, कॉमिक बुक टॉस की तरफ से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट्स के गिव अवे हो रहे हैं। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट सुपर हीरोज का नाम कमेंट करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट जीतना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।